हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी के लिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का एक वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया था। और आज हम जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात कर लेंगे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आप सभी तक इस वीडियो को लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को रिकॉल कर लेते हैं। तो उस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, ये हम एक बार एक छोटे से घटनाक्रम को इसमें 2 मिनट में देख लेंगे कि हमने उसमें क्या क्या जाना था। तो हमने उस वीडियो में जाना एक वॉर पैटर्न के बारे में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लड़ाई लड़ने का तरीका था वो किस प्रकार था। और इसके बाद हमने उसमें देखा कि ट्रीटी ऑफ सूरत क्यों हुई, किन कारणों से हुई, और उसके बाद कैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ। उसके बाद हमने ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखा, और वहीं उसके बाद हमने संधि ऑफ वाडगांव देखी, वाडगांव की संधि देखी, और इसके बाद हमने वॉर एंडिंग ट्रीटी जो कि ट्रीटी ऑफ सालबाई थी वो देखी। ठीक है, तो इन दोनों ट्रीटी में, एक इस ट्रीटी में और ट्रीटी ऑफ सालबाई में, आप ये अंतर याद रखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो वॉर कॉजिंग ट्रीटी थी, और वहीं ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वॉर एंडिंग ट्रीटी थी। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। और इस क्रम को भी आप याद रखेंगे कि कौन सी संधि पहले हुई और कौन सी संधि बाद में हुई, क्योंकि यही क्रम जो है पूछे जाते हैं पेपर में, प्रीलिम्स में, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड एंगल मराठा युद्ध की ओर चलते हैं। तो द्वितीय एंगल मराठा युद्ध से पहले हम जो है कॉन्फेडरेसी देख लेते हैं मराठाओं की। तो मराठाओं की कॉन्फेडरेसी में जो है वो 5 चीफ थे, जिसमें से 4 मेन चीफ थे और जो एक था वो टाइटुलर हेड था, जो कि पेशवा था। ठीक है, तो पेशवा जो थे वो पुणे में रहते थे। तो यहाँ पे हो गया पेशवा पुणे में, ये हम मैप में देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद थे सिंधिया जो कि ग्वालियर में थे। तो ग्वालियर में जो उत्तरी भारत था वो सिंधिया के पास था। वहीं बड़ौदा में गायकवाड़ रहते थे। तो बड़ौदा यहाँ इस तरफ जो है गायकवाड़ चीफ का जो है साम्राज्य था। वहीं इंदौर में होलकर्स रहते थे और नागपुर में भोसलों का राज्य था। भोसले जो है नागपुर की तरफ रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे 5 लोग मिलकर जो है मराठा साम्राज्य को चलाते थे, जिनका टाइटुलर हेड पेशवा था जो कि पूना में रहता था। ठीक है, अब हम आते हैं पृष्ठभूमि की तरफ कि क्या और किन किन वजह से जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो शुरू हुआ था 1803 में और खत्म हुआ 1805 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के शुरू होने से पहले ही, मतलब ये युद्ध के समय निकट आने से पहले ही जो है सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती, जो कि एक बहुत बड़ी संगठित होते हैं, जो बार बार काउंसिल भी इनके अंतर्गत होती है। और जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है पेशवाओं में और जो मराठा सरदार हैं उनमें जो है आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, कि वो आपस में एडमिनिस्ट्रेशन पावर पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पेशवा बन जाए। इस तरीके से जो है वो वो अपना आधिपत्य जो है पूना पर जमाना जमाना चाहते हैं। इसी तहत जो है बाजीराव द्वितीय, जो कि रघुनाथ राव का पुत्र है, वो जब पेशवा बनता है तो वो क्या करता है कि जसवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्टू जी होलकर को मरवा देता है। ठीक है, अब बिट्टू जी होलकर को मरवाने के ठीक कुछ समय पहले एक समझौता होता है सिंधिया और जसवंत रघुनाथ राव द्वितीय के, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय सिंधिया को होलकर से बचाएगा। और वहीं सिंधिया जो है नाना फडणवीस की जो संगठित जो कार्यकारी लोग हैं उनसे जो है वो पेशवा को बचाएगा। तो ये जो कुछ समझौते के जो टर्म्स हैं इनके तहत तो दोनों में आपस में समझौता होता है। और इसी के बाद जब पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है जसवंतराव होलकर के छोटे भाई बिट्टू जी होलकर को मरवा देते हैं, तो अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जसवंत राव होलकर जो है पुणे पर अटैक कर देता है। इस अटैक के बचाव में सिंधिया आते हैं और सिंधिया और पेशवा की संगठित सेना जो है उनसे लड़ती है। फिर भी जसवंत राव होलकर जो है उन दोनों की संगठित सेना को हरा देता है। और इस पूरे कार्यक्रम से डर कर जो है
पेशवा भागकर बसैन चला जाता है और फिर शुरू होती है बसैन की संधि। तो जो जो बसैन की संधि है इसको आप याद रखेंगे, जो वॉर कॉजिंग ट्रीटी रहती है ना कि ये वॉर एंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। ये जो है 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, वहीं बसीन की संधि ठीक युद्ध होने के कुछ समय पहले ही होती है, जो कि होती है 31 दिसंबर 1802 में, ठीक है। इस संधि के समय जो है गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। आप इनको याद रखेंगे, जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक। और इस संधि में जो शर्तें रखी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार रहती हैं कि ब्रिटिश जो है पेशवा को जो वापस उनका जो साम्राज्य है पुणे में वो वापस दिलाने में उनकी मदद करेंगे, पर और उस मदद के तहत जो है उन्हें 6,000 इन्फेंट्रीज और आर्टिलरीज गन दी जाएंगी, यानी कुछ तोपें दी जाएंगी और 6,000 सैनिक दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय जिनकी जो मतलब खर्च जो है वो पेशवा ही वहन करेगा, और उस खर्च के लिए जो है वो 26 लाख इनकम की जमीन जो है वो ब्रिटिश को देगा, ठीक है। और ये सारी सेना जो है उस पेशवा के ही राज्य यानी दरबार और सीमा में ही रखी जाएंगी, ठीक। पेशवा जो है अदर कंट्रीज को और यानी कोई भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को अब अपनी सीमाओं में नहीं रहने देगा, पेशवा के सारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो अब जो है ब्रिटिश हैंडल करेंगे, और जो सूरत है जो बड़ौदा के पास जो सूरत है वो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ये कुछ जो नियम है, ये सारे नियम के बाद जो है एक संधि होती है। इस संधि के बाद लॉर्ड वेलेजली अपनी सेना को लेकर जाते हैं और होलकर से वापस जो है पुणे को छीन कर जो है उस पे जो पेशवा को बैठा देते हैं। कहा जाता है कि ये जो है वेलेजली की एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसमें उन्होंने होलकर को हराकर वापस पेशवा को उनकी राजगद्दी पर बैठाया था। फिर इसके बाद इस सिंधिया और भोसले जो है इस अपमानजनक संधि को स्वीकार नहीं कर पाते बिल्कुल भी, और उस संधि के पश्चात जो है सिंधिया और होलकर बहुत खिन्न हो जाने की वजह से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो है लड़ाई छेड़ देते हैं, जिसके तहत आर्थर वेलेस्ली जो है जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ रहा होता है, जो कि लॉर्ड वेलेजली का छोटा भाई है, वो जाकर सिंधिया और भोसले को बार बार कई जगहों पर हराता है, और इस बार बार हराने की वजह से आखिर में सिंधिया और भोसले को बाध्य होकर संधि करनी पड़ती है। तो जो क्रमशः संधियां होती हैं वो होती है एक उनमें से ट्रीटी ऑफ देवगांव, और वहीं दूसरी संधि होती है ट्रीटी ऑफ सुरजनगांव, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जो पहले संधि होती है हम वो पहले देख लेते हैं कि पहले जो संधि होती है वो है ट्रीटी ऑफ देवगांव की संधि, जो कि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। इस संधि को हम देख लेते हैं। इस संधि में क्या होता है कि जो शर्तें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस संधि में जो ब्रिटिश है उनको पूर्वी तट जो है वो पूरी तरीके से दे दिया जाता है, जिससे कि वो बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी का जो आपस में कनेक्शन है वो एक तरीके से बना सके, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूर्वी तट के तहत वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तट हैं वो जो है भोसलों से ले लेते हैं, ठीक है। भोसलों की तरफ से ये संधि कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं रघुजी भोसले, ठीक है। अब इसके बाद जो कटक और बालासोर है वो ब्रिटिश जो है मराठाओं को दे देते हैं, वहीं पे ब्रिटिश अब ये वापस एक शर्त रखते हैं कि अब रघुजी भोसले के सारे जो भी फॉरेन रिलेशंस हैं वो अब ब्रिटिश हैंडल करेंगे, और इसके बाद अब कोई भी जो यूरोपियन कंट्रीज का सैनिक या कोई भी व्यक्ति जो है अब उनकी सीमाओं में नहीं रहेगा। वहीं पर अब भोसले जो है एक्सेप्ट करते हैं कि सारे इंटरफेरेंस हस्तक्षेप जो है अब ब्रिटिश साम्राज्य उनकी राजनीति में कर पाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है एक अंग्रेज दरबारी भी उनके दरबार में रखना तय होता है, जिसके तहत माउंट स्टॉट एल्फिन स्टोन को रखा जाता है, ठीक। इसके बाद जो है कुछ ही दिन बाद, जैसे कि 17 दिसंबर को देवगांव की संधि हुई, उसी के ठीक 13 दिन बाद संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजनगांव की संधि, जो कि सिंधिया के साथ होती है। तो इस संधि के तहत जो है शर्तें रखी जाती हैं ये कि ये जो सारे
उनके एरिया रहते हैं जो कि गंगा यमुना नदी के बीच की भूमि के एरिया हैं, जो कि जयपुर, जोधपुर, गोहद है, वो सारी भूमि जो है अंग्रेजों को दे दी जाएगी। इसी के साथ जो है अब सिंधिया बसेन की संधि को मानेंगे, जो कि उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले, चूंकि भोसले और सिंधिया ने क्या माना था कि ये बहुत अपमानजनक संधि है, और इसको ना मानते हुए उन्होंने जो है युद्ध शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसी युद्ध को में जब वो हार जाते हैं तो ये संधि होती है। तो इस संधि में सबसे पहले यही बात रखी जाती है कि आप सबसे पहले वो बसेन की संधि को मानोगे। ठीक है, तो सिंधिया उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनके साथ भी वही सारी शर्तें रखी जाती हैं जो कि देवगांव की संधि में रघुजी भोसले के साथ रखी गई थी, कि ब्रिटिश अब उनके सारे फॉरेन अफेयर्स हैंडल करेंगे, अब उनकी सीमाओं में कोई भी बाहरी यूरोपीय कंट्री का कोई भी सैनिक या कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, और वहीं अब उनके राज्य में या उनके दरबार में हम यूं कहें तो एक अंग्रेजी रेजिडेंट रहेगा जिसका नाम है मेजर मालकम नाम का व्यक्ति जो है वो नियुक्त किया गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है अब अंग्रेजों ने सुरजनजन गांव की संधि के बाद जो है सिंधिया को भी अपने आधिपत्य में ले लिया, और इस प्रकार जो है लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है वो इनको कबूल करनी पड़ी। अब हम चलते हैं जसवंतराव होलकर की तरफ, जो कि इस संधि के पश्चात जब वेलेजली ने उनसे बोला कि आप भी सहायक संधि को कबूल कर लो, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत स्वाभिमानी हूँ, मैं ऐसे नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता। तो इसीलिए वो है जो कि युद्ध छेड़ देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, और उस युद्ध को जो है वो 2 साल तक युद्ध चलता है, और आखिर में जाकर सन 1806 में, 1806 में जो है जसवंतराव होलकर जो है बाध्य होकर वेलेजली की जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे जो करके, मतलब इस पूरे कार्यकाल के दौरान यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों का एक आधिपत्य जम चुका होता है। और अब जो है आप आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि जो सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा नक्शा रहता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो अब उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज घुस चुके हैं, और अब जो है बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल इंडिया मराठाओं की वो बहुत कम हो चुकी है। तो हम वो मैप में देख लेते हैं कि इस पूरी कालक्रम के दौरान जो भी संधियां हुई तो उसमें अंग्रेजों को क्या मिला। तो अंग्रेजों को देखिए यहाँ पे वो उन्होंने सूरत ले लिया सूरत की संधि से। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूर्वी तट एरिया ले लिए, कुछ एरिया यहाँ पर भी उन्होंने ले लिया। फिर इसके बाद जो है सिंधिया से जो उन्होंने कुछ एरिया यहाँ के भी ले लिए थे। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि इस उत्तर भारत से लेकर ये पूर्वी तट की तरफ जाते हुए वापस यहाँ पर आते हुए दक्षिण में ये पूरा एरिया उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और वहीं पर जो महत्वपूर्ण एरिया जो सूरत का था, जहाँ पे बहुत पुराने समय से जो है आप यूं कहें तो बहुत पुराने समय से जो व्यापार चल रहा था, और उस व्यापार के नजरिए से जो एक महत्वपूर्ण एरिया था, इसको उन्होंने सबसे पहले अपने अंडर में ले लिया। और फिर इस संधि के होने के पूर्व, इस संधि के होने के पूर्व मैसूर का तृतीय युद्ध हो चुका है, और उस मैसूर के तृतीय युद्ध में आप को जब मैं आगे बताऊंगा तो देखेंगे आप कि जो मैसूर इतना बड़ा था उस मैसूर में अब उन्होंने सिर्फ इतना छोटा सा राज्य ही छोड़ा है, और बाकी ये पूरा एरिया जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर में है, ये पूरा एरिया जो है अब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है बहुत ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लिया है, और उस समय के दौरान जो एक बहुत बड़ी शक्ति थी मराठा साम्राज्य उसको पूरी तरीके से खिन्न भिन्न कर दिया है। अब जो वहाँ के मराठा चीफ हैं अभी भी, उनमें से किसी को उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी का कत्लेआम कर दिया हो या फिर किसी को जेल में बंद कर दिया, नहीं, सब अपने अपने पद पर ही हैं। पर उन सारे मराठा चीफों के ऊपर जो पैरामाउंट पावर स्थापित हो गई है वो किसकी हो गई, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई है। तो ये तो था पूरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और अब हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। और अगर अभी तक आपने जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक
थैंक यू।